Hello everyone, welcome to EliteScate. So in this particular video we will analyze CAT 2018 paper. So agar CAT 2018 paper ki overall baat kare, so CAT 2017 se tougher side mein tha, because quant section jo tha CAT 2018 ka काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हुआ है क्वांट के सेक्शन में. लास्ट 2015, 16, 17 में अगर देखें कि वो क्वांट का लेवल, तो क्वांट का लेवल काफ़ी बेसिक लेवल था, बेसिक टू मीडियम की तरफ ट्रेंड करता था. बट यहाँ पे मीडियम टू टफ की तरफ गया है क्वांट का सेक्शन, तो काफ़ी स्टूडेंट क्वांट के सेक्शन में पैनिक कर गए हैं, जिसके कारण से रिजल्ट का जो सिनारी होगा वो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा रिजल्ट के सिनारी में. ओवरऑल अगर बात करें सबसे पहले कि LRDI सेक्शन की, कि काफ़ी स्टूडेंट्स जैसे कह रहे हैं कि LRDI सेक्शन काफ़ी ज़्यादा ईजी आया है, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि LRDI सेक्शन 6 अटैम्प्ट 7 अटैम्प्ट, डोंट गेट पैनिक अबाउट दैट. LRDI सेक्शन वॉट नॉट दैट ईजी, अच्छा सेक्शन था LRDI का, चाहे वो फर्स्ट स्लॉट हो या सेकेंड स्लॉट हो. बिकॉज मेरा फर्स्ट स्लॉट था तो मैं कम्प्लीटली फर्स्ट स्लॉट के लिए परस्पेक्टिव से बोल सकता हूँ, और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जो सेकेंड स्लॉट का था दैट वॉज सेम एज फर्स्ट स्लॉट, ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल का आया, जितना स्टूडेंट्स के थ्रू मुझे पता चला, आइडिया लगा कि ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल आई है क्या स्लॉट टू की. तो अगर स्लॉट वन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें ओवरऑल चीज़ की, तो स्लॉट वन में जो LRDI सेक्शन के क्वेश्चंस थे, जो सेट थे, नो डाउट कुछ सेट ईजी थे, लाइक DI सेट वॉज ईजी एंड 1-2 हेयर एंड देयर सेट्स वर ईजी, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड दोज सेट दैट दोज सेट्स आर ईजी. अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा माइंड सेटअप यही रहता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट का माइंड सेटअप ये रहता है कि जो DI का सेट आएगा दैट विल बी ऑफ डिफिकल्ट लेवल, और हम लोग LR के सेट पे फोकस करेंगे. अगर LR की छोटी लैंग्वेज के सेट हैं, डाटा उतना ज़्यादा नहीं गिवन है, देन वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट दैट सेट. तो उस टाइप के सेट का जो फॉर्मेशन था वो डिफिकल्ट था. तो भले ही पेपर में ओवरऑल तुम्हें 2 से 3 ईजी सेट हों, लेकिन उन ईजी सेट को पिक करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, और वहाँ पे ही थोड़ा सा LRDI डिफिकल्ट लेवल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इन केस अगर आपके 10-12 अटेम्प्ट हुए, तो मुझे लगता है कि 10-12 अटेम्प्ट में यू विल ईजली फेच 97-98 परसेंटाइल. 12 अटेम्प्ट में आपके 98 परसेंटाइल आ जाने चाहिए, अगर आप 12 अटेम्प्ट कर रहे हो विथ एक्यूरेसी. ऑब्वियसली अगर 12 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो एक्यूरेसी के साथ ही हो रहे होंगे, जब आपके कम अटेम्प्ट रहते हैं एक्यूरेसी विल इंक्रीज, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी एक्यूरेसी. तो 12 अटेम्प्ट में अप्रॉक्सीमेटली 95-97 तक की रेंज में आराम से पहुंच जाना चाहिए आपको. 16 अटेम्प्ट की बात करें अगर, तो 16 अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी विल फेच यू अप्रॉक्सीमेटली 99.1-99.2 परसेंटाइल, और थोड़ा सा जैसे इंक्रीज करोगे 1-2 क्वेश्चन तो आप 99.7-99.8 की रेंज में पहुंच जाओगे 17-18-19 क्वेश्चन में. तो ये ओवरऑल फर्स्ट स्लॉट या सेकंड स्लॉट दोनों के लिए सेम डिफिकल्टी लेवल था ऑलमोस्ट, और इतने ही स्कोर पे ये परसेंटाइल आपके फेच हो जाने चाहिए इसलिए. और ओवरऑल जो स्टूडेंट आपको कह रहे हैं कि इट वाज एन ईजी कैट 2017 के कंपैरिजन में कैट 2018 का LRDI ईजी आया है, बट उतना भी ईजी नहीं आया है कि आप जाके मतलब हर एक सेट पे 2-2 सेकेंड में आप सेट निकाल दो, 3-3 मिनट में सेट सॉल्व कर दो, इट्स नॉट दैट ईजी. सेट को पिक करना दैट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, और किसी भी LRDI पेपर की डिफिकल्टी लेवल इस बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते हो कि इस पेपर में 2 सेट ईजी थे. उन 2 सेट ईजी सेट को पिक करना वॉज अ चैलेंज वहाँ पे, क्योंकि सेट अगर DI के सेट की भी बात करें कि DI का सेट वॉज एन ईजी सेट, बट उसको पिक करना कि वो ईजी सेट है दैट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क. बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग में हमारा माइंड सेटअप ऐसा ही रहता है मैक्सिमम का कि DI का सेट जो होगा दैट विल बी अ टाइम टेकिंग सेट, सो लेट्स सॉल्व अदर सेट्स फर्स्ट, हम लोग बाकी सेट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और मे बी वो सेट काफ़ी लोगों से मिस भी हो गया हो इजी सेट होते हुए भी. तो उस बेसिस पे अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो दैट वाज नॉट अ इजी LRDI पेपर, इट वाज अ डिफिकल्ट ओवरऑल LRDI पेपर. और 12-14-16 अटेम्प्ट तक, अगर 12-3-4 सेट की रेंज में, दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट फॉर मी, कि इतना अटेम्प्ट आपके लिए अच्छा है अगर आप विथ एक्यूरेसी कर पा रहे हो, तो यू विल फेच अ डिसेंट परसेंटाइल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो LRDI के लिए आपको आई होप कि बाकी जो भी स्ट्रेटजी आप जो भी अगर एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाए हो, तब उतना बेटर स्कोर शायद ना फेच हो, एक्यूरेसी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर LRDI सेक्शन. और अगर आपने इजी सेट पिक हो गए हैं बाई चांस, अगर इजी सेट बाई चांस आपने वो DI सेट से स्टार्ट कर दिया या किसी एक पर्टिकुलर इजी सेट से स्टार्ट कर दिया, तो प्योरली लक बेसिस था कि आप उस सेट से स्टार्ट कर पाए हो, बट उसको पिक करना उसी समय दैट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क. तो फॉर मी LRDI वॉज नॉट दैट ईजी, इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर. अगर बात करें क्वांट सेक्शन की, तो नो डाउट कैट 2015, 16, 17 से क्वांट के पेपर में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है. इट वॉज अ टफ पेपर.
कैट की हिस्ट्री में, मतलब मुझे लगता है कि अगर जो बहुत पहले पेपर बनते थे क्वांट सेक्शन के, तब उस समय डिफिकल्ट पेपर बनते थे, ऑलमोस्ट उसी डिफिकल्टी लेवल का ये पेपर आया है। बट स्टिल यहाँ पर भी उन्होंने पेपर टफ होने से ज़्यादा ये था कि इट वॉज अ लेंथी पेपर, और आप बीच में पेपर सॉल्व करते करते थोड़ा सा टायर्ड फील करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा पेपर था कि बीच में अगर सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा बहुत मतलब निगेटिव फीलिंग आने के चांसेस थे। इस टाइप का पेपर उन्होंने सेट किया था, और स्पेशली क्वेश्चंस का जो पुटिंग थी, क्वेश्चन की जो पुट किया था उन्होंने क्वेश्चंस को, जिस तरह से उन्होंने स्कैटरिंग करी हुई थी क्वेश्चन की, दैट वॉज रियली अ चेंजिंग पैटर्न हेयर। कि अगर दो क्वेश्चन टफ है तो एक क्वेश्चन ईजी, बीच में फिर तीन क्वेश्चन टफ, फिर दो क्वेश्चन ईजी, फिर तो आपको इजी क्वेश्चन पिक करने पड़ेंगे और ढूंढने पड़ेंगे इजी क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस के एक डबल स्टैंड डबल पॉइंट उस पे रखा हुआ था। देयर वाज बहुत क्वेश्चन लॉक के क्वेश्चंस जो थे वो इजी क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ फाइव क्वेश्चंस आई थिंक फाइव क्वेश्चंस थे अप्रॉक्सीमेटली लॉक के। इन द फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट में कुछ क्वेश्चन थे, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉक सेक्शन। एपीजीपी का एक क्वेश्चन आया हुआ था, दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, यू शुड सॉल्व देम। तो ओवरऑल अगर मैं अटेम्प्ट देखूं तो अगर आपके 15-16 तक अगर आप पहुंच रहे हो क्वांट में विथ एक्यूरेसी, अगर आप 50 के मार्क्स तक पहुंच रहे हो क्वांट में, तो यू विल इजिली फेच 99.3-99.4% percentile। 45 मार्क्स तक, 45 to 46 मार्क्स तक आई थिंक 99 स्कोर हो जाना चाहिए। अगर आप 15 to 16 अटेम्प्ट की रेंज में हो तो आपके स्कोर विथ एक्यूरेसी, ऑब्वियसली विथ एक्यूरेसी, अगर आप 15 अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करके रख रहे हो, तो 45 टू 46 स्कोर पे आपका 99 परसेंटाइल बन जाना चाहिए क्वांट सेक्शन में। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इसके बाद बहुत कम, 1 to 2 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा परसेंटाइल सेक्शन में। अगर आप 55-56 तक पहुँच रहे हो तो 99.5-99.6 तक की रेंज पर भी जा सकते हो क्वांट सेक्शन में। तो क्वांट सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इस बार चेंज हुआ है पहले लास्ट 3 ईयर का सिनारियो से। पहले थोड़ा ठीक आता था, बट लास्ट 3 ईयर जो लेवल था उससे काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। हर एक क्वेश्चन पे लेयर हर एक क्वेश्चन जो था, हर एक क्वेश्चन नहीं लेकिन कुछ जो एल्जेब्रा सेक्शन था दैट वाज इजी, फंक्शन के कुछ क्वेश्चन दैट वाज डायरेक्ट। अगर आपने सही से पढ़ा हुआ, अगर आपको फंक्शन आपने सही से पढ़ा हुआ है, सो देयर वर वन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम फंक्शन ऑल्सो, देयर वर 3 or 4 डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम लॉग सेक्शन ऑल्सो, देयर वर सम, जैसे मैंने कल ही एक रिवीजन सेशन कराया था यूट्यूब पे क्वांट सेक्शन का, 2 क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, वन मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन, वन अदर क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न एटलीस्ट बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे। तो 2 क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, तो मतलब ओवरऑल डिफिकल्ट पेपर था, स्टिल यू कैन पिक सम इजी क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम। अगर आप इजी क्वेश्चन 15-16 आपने इजी टू मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस पिक कर लिए और सॉल्व किया है तो बहुत अच्छा। और 20 अटेम्प्ट इस पेपर के लिए तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है क्वांट सेक्शन के लिए, आप इंक्रीज कर सकते थे। जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे है, दे कैन इंक्रीज 20 to 22, 22 to 23 क्वेश्चंस ऑल्सो, बट ओवरऑल 16 to 20 रेंज क्वांट सेक्शन में बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा स्कोर इस पे आने के चांसेस हो सकते हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आप किस पोजीशन पे बैठे हुए हो इस समय। अगर 10 क्वेश्चंस LRDI में आप सॉल्व कर रहे हो, अगर 10 क्वेश्चन आपके LRDI में विथ एक्यूरेसी हुए तो आई थिंक 95% तक बन जाएंगे इजिली। अगर 12 क्वेश्चन तक आ गए हो, 3 सेट कंप्लीट कर लिए, तो 97 to 98% आपके बन जाएंगे 36 मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली। दैट विल स्केलिंग होगी, फिर इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर आप 14 पे आए हो तो यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 19 तक पहुंच जाना चाहिए 14 अटेम्प्ट में विथ एक्यूरेसी। और आप इसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आपका स्कोर परसेंटाइल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज, अगर 16 to 17 पहुंचे हो, 17 to 18 पहुंचे हो, तो एक एक क्वेश्चन की वैल्यू दे। सेम फॉर QA सेक्शन ऑल्सो, कि सिंगल सिंगल क्वेश्चन की वैल्यू है। अगर आपकी सिली मिस्टेक कहीं पे हो गई, आपने 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से रॉन्ग कर दिए, तब आपका पेपर ओवरऑल बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। अगर आपने विथाउट सिली मिस्टेक थोड़ा काम रह के दिया है, ईजी क्वेश्चन पिक कर पाए हो एग्जाम कंडीशन में, बिकॉज ईजी क्वेश्चन स्कैटर्ड थे, कहीं बीच में कहीं पे इजी क्वेश्चन मिल रहा है, फिर बीच में कहीं पे कहीं 24th नंबर क्वेश्चन इजी है, फिर 15th नंबर क्वेश्चन इजी है, तो इजी क्वेश्चंस स्कैटर्ड थे, आपको पिक करने पड़ेंगे, तभी ये क्वांट का पेपर आप ओवरऑल अच्छी अटेम्प्ट में कर पाओगे। अदरवाइज हाई चांसेस थे कि स्टूडेंट पैनिक हो जाए, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली 3 to 4 क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ेंगे, 1 स्किप, 2 स्किप, 3 स्किप, 4 स्किप, फर्स्ट नहीं हुआ, सेकेंड नहीं हुआ, दैट इज
हाई चांसेस कि आप पैनिक हो जाओ उस कंडीशन में. तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैट 2017 से काफ़ी इंक्रीज हुई है. सिर्फ LRDI सेक्शन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ क्वांट सेक्शन की तो क्वांट सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिससे ओवरऑल डिफिकल्टी कैट 2017 से इंक्रीज हो गई है. तो अगर कैट 2017 में जो स्कोर पे परसेंटाइल बने थे उससे काफ़ी अच्छी परसेंटाइल उसी स्कोर पे बनने के चांसेस हैं. ओवरऑल एक सिनारियों के साथ इनकेस अगर कैट अपना पेपर निकालती है तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. बाकी अब जो भी हो गया है बार बार इसको डिस्कस मत करो, हर एक वेबसाइट पे जाके एनालिसिस पार्ट मत देखो. बेटर ये रहेगा कि ओनली 6 or 7 days लेफ्ट फॉर IFT, सो IFT का पेपर पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, IFT पे कंसंट्रेट करो, माइका पे कंसंट्रेट करो, आफ्टर दैट जेट का पेपर है, स्नैप का पेपर है, कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. इस पर आपके कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, दैट विल नॉट चेंज योर परसेंटाइल इन कैट सिनारियो. सो बेटर टू फोकस ऑन IFT, जेट, स्नैप एग्जामिनेशन. थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग.